नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ष 2024 शिक्षा, व्यापार और नौकरी की स्थिति से मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सर्वप्रथम वर्ष 2024 की मकर राशि वाले जातकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए और आपके सारे मनोरथ सिद्ध करने वाला हो। यहाँ पर गोचरीय फलादेश शुरू करने से पहले, वर्षफल शुरू करने से पहले, हम आपको गोचर में होने वाले ट्रांजिस्ट और ग्रह स्थिति के बारे में कुछ जानकारी प्रदान कर देते हैं। गोचर के ट्रांजिस्ट में सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो होगा वो होगा देवगुरु बृहस्पति का। गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो है 1 मई 2024 को मेष राशि को छोड़ेंगे और वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि मकर राशि वालों, आपकी राशि से पंचम स्थान का आती है और यहाँ पर पंचमस्थ गुरुदेव बृहस्पति का गोचर शानदार परिणाम देने वाला रहेगा। इसके पश्चात अगर ग्रह स्थिति की बात करी जाए जो आपको लॉन्ग टाइम तक प्रभावित करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं उसमें शनिदेव। शनिदेव जो आपकी राशि के स्वामी है, पूरे वर्ष पर्यंत आपकी राशि से दूसरे घर में बैठे हुए रहेंगे धन भाव में और यहाँ पर शनि जो है आपको अच्छे बुरे फलों की प्राप्ति कराएंगे। वहीं अगर राहु केतु की बात करी जाए जो 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं, तो राहु केतु, राहुदेव जो है वो आपके तृतीय स्थान में गोचर करते रहेंगे और केतुदेव आपके भाग्य स्थान में गोचर करके आपको प्रभावित करते रहेंगे। ये गोचरी स्थितियां जो वर्ष 2024 की रहने वाली है, लॉन्ग टाइम तक ये ग्रह आपको ट्रांजिस्ट में प्रभाव देने वाले हैं। यहाँ पर गोचरी फलादेश शुरू करने से पहले आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, इस वर्षफल 2024 को हमने 3 भागों में विभाजित किया। पहला भाग जो आया था वो आया था स्वास्थ्य, परिवार और धन संपत्ति की स्थिति से वर्ष 2024 जो है मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वो है भाग दो, शिक्षा, व्यापार, नौकरी की स्थिति से वर्ष 2024 मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। इसके पश्चात हम लेकर आएंगे भाग तीन जो होगा लव लाइफ और मैरिड लाइफ की दृष्टि से मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे यहाँ पर शिक्षा, व्यापार, नौकरी की स्थिति में। सबसे पहले हमारा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए, विद्यार्थी भाई बहनों के लिए, कि उनके लिए कैसा रहेगा वर्ष 2024। देखिए विद्यार्थी भाई बहनों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वर्ष 2024 का जो अर्ध छमाही है यानी कि उत्तरार्ध की जो छमाही है वो जीवन में आपके बहुत जबरदस्त गेम चेंजर रहने वाली है। जो लोग जिस भी शिक्षा में है, जिस भी फील्ड में अपना शिक्षा या अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा उनको वहां पर सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। मई महीने तक थोड़ा आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, थोड़ा आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन मई महीने के बाद आपको आपके मनोरथ सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। आपको कंफ्यूजन होगा कि अगर मैं ये पढ़ाई करता हूं तो मुझे ये फील्ड मिलेगा, इस तरीके के जो कंफ्यूजन रहते हैं कि मैं इस फील्ड में जाऊं तो ये क्या ये पढ़ाई करनी चाहिए, इस कंफ्यूजन को क्लियरेंस में आप मई महीने के बाद होता हुआ देखेंगे। आपकी जो कंफ्यूजन जो स्थिति बनी हुई है वो मई महीने के बाद एकदम से शून्य होती हुई आपको नजर आएगी। आप किसी एक ट्रैक पर, एक लक्ष्य की ओर निर्धारित रहेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, केतुदेव की नवम दृष्टि भी जो है वो पंचम स्थान पर रहने वाली है। केतु की नवम दृष्टि पंचम स्थान पर होने की वजह से आपको एकाग्रता देने में काम करेंगे। आपको एजुकेशन के साथ साथ धर्म से भी जुड़ा हुआ यहाँ पर केतुदेव रख सकते हैं और आपके लिए काफी हद तक ये चीजें अच्छी रहने वाली होगी। देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान में 1 मई 2024 के बाद गोचर करना शुरू करेंगे। 13 महीने तक ये यहाँ पर रहेंगे। ये आपके लिए शानदार परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आएगा, आपके सारे मनोरथ सिद्ध करने वाला होगा। यही हम बात करते हैं व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा वर्ष 2024 मकर राशि वाले जातकों के लिए। देखिए व्यापार की दृष्टि से अगर बात की जाए तो वर्ष 2024 जो है व्यापार की दृष्टि से मुझे शुभ लग रहा है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि सप्तम हाउस पर बनी हुई है और राहु देव का जो सप्तम हाउस पर प्रभाव है वो शानदार आपको जीवन में तरक्की देने वाला रहेगा। हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, इसमें हम किसी भी प्रकार से आपको मना नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का पूरा परिणाम यहाँ पर राहु आपको अचानक से देने के लिए आए हुए हैं। शनिदेव की परछाई राहु देव को माना गया है और यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शनि धन भाव में बैठे हैं, पैसे से रिलेटेड जो भी समस्या है उसे छोटी छोटी तरीके से दूर करने का काम शनि की स्थितियां करेगी और व्यापार में आपको राहु जो है अचानक से कहीं ना कहीं अच्छी तरक्की देने का काम करेगा।
होगा, आपको छोटे छोटे सक्सेसफुल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद आप जो है अपने व्यापार में तरक्की कर जाएंगे। फर्स्ट से अर्थ तक राहु जो है चुटकी में आपको ले जाने का काम यहाँ पर इस वर्ष में कर सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप अपनी मेहनत से मत घबराइएगा, क्योंकि शनि देव जो है वो मेहनत से प्रसन्न होंगे, और मेहनत करने पर शनि अगर प्रसन्न हो गए तो आपको जीवन में वो सब चीजें हासिल करने के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए सारी चीजें शनि देंगे, और यहाँ पर आपके सारे सपने भी शनिदेव की स्थिति ही पूरा करेगी। शनिदेव एक ऐसे ग्रह है जो आपको सारी चीजें प्रदान करते हैं, लेकिन देते शनि शनि है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। व्यापार के दृष्टिकोण से काफी अच्छा ये वर्ष रहने वाला है, काफी अच्छे परिणाम हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। शनि की स्थिति काफी अच्छी रहेगी, साढ़े साती है, तो साढ़े साती में भी आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और साथ ही एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, राहु देव की पंचम दृष्टि सप्तम हाउस व्यापार घर पर बनी हुई है, जो आपके लिए जीवन में काफी हद तक अचानक से आपको अपॉर्चुनिटीज देगी अपने व्यापार में तरक्की करने के लिए। काफी हद तक आपको जो है अपने बिजनेस क्षेत्र में अचानक से कुछ ऐसी यू समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी या फिर अवसर देखने को मिलेंगे, जो आपके व्यापार को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। तो उन अवसरों को आप खोइएगा मत, अवसरों का फायदा उठाइएगा, आपका व्यापार बहुत जबरदस्त तरीके से तरक्की कर जाएगा। वही अगर बात करी जाए नौकरी के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा वर्ष 2024 मकर राशि वाले जातकों के लिए, नौकरी के दृष्टिकोण से यहाँ पर देखा जाए तो वर्ष 2024 काफी अच्छा रहेगा। आपके जीवन में आप जिस भी क्षेत्र में जॉब करते हैं, जिस भी सेक्टर में सर्विस देते हैं, वहां पर आपको तरक्की देखने को मिलेगी। अपने बॉस के साथ जो रिश्ते थोड़े आपके कड़वाहट में, उसमें थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा कि आपके बॉस के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप निश्चिंता मत लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, साढ़े साती का समय चल रहा है, जो काम आप कर रहे हैं उसमें जी तोड़ मेहनत करिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपनी नीयत को सही रखिएगा, अपने मन को सही रखिएगा, स्थिर रखिएगा, आपको तरक्की मिलेगी, और अच्छे कर्म करते रहिए। आप जो भी तरीके से अच्छे कर्म कर पाते हैं उस तरीके से करिए, किसी की मदद कर सकते हैं, गाय को चारा डाल सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप जो भी काम कर सकते हैं वो करते रहिए, आपको फायदे अपनी नौकरी में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैं एक सबसे अच्छी चीज़ आपसे कहना चाहूँगा नौकरी करने वाले जातकों के लिए, जो मकर राशि वाले जातक है उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वर्ष 2024 में आपके धन भाव में शनिदेव का गोचर है, धन की स्थिति शनि जो है अच्छी करेंगे, लेकिन मेहनत करवा कर करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी यहाँ पर एक चीज आप विशेष तौर पर ये ध्यान रखेंगे कि शनिदेव का जो गोचर है ये साढ़े साती का समय भी आपके ऊपर चला रहा है, अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो आपके काम अच्छे से बनते हुए आपको नजर आएंगे। सेकंड हाउस वाणी का भी होता है, तो शनि आपकी वाणी को कुछ ऐसी कर देंगे जिसकी वजह से आपके अपने मित्रों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता हमें बनती हुई नजर आ रही है। और अगर देखा जाए तो नौकरी की दृष्टिकोण से यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष आपके जीवन में रहेगा, लेकिन अगर आपने संघर्ष कर लिया तो आपके लिए काफ़ी अच्छे फायदेमंद ये रहने वाली है। यहीं अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करी जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में समय आपके लिए मई महीने के बाद काफी अच्छा आएगा, आपके सारे मनोरथ सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। और व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे वर्ष पर्यंत आपको शनि और राहु काफी अच्छे फायदे देते रहेंगे, लाभ से सुशोभित करते हुए आपको रहने वाले हैं। यहाँ पर कुछ उपाय जो है मैं आपको वर्ष 2024 के लिए शिक्षा व्यापार नौकरी के लिए आपको बता देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मकर राशि वालों यहाँ पर शानदार उपाय है, सोमवार के दिन देवाधिदेव महादेव की आपको रुद्राभिषेक या उनके ऊपर एक लोटा जल आप अर्पित करें, आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, और उनके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का आप मेडिटेशन करते हुए जप करें, आपके लिए शानदार परिवर्तन अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूंगा शनि यंत्र की स्थापना करें, और डेली जो नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं उनके लिए कहना चाहूंगा तेल का दान आप करें। शनिवार के दिन आप छाया दान जिसे कहते हैं, तेल में अपना चेहरा देख के जो दान किया जाता है वो दान आप करें, आपके लिए काफी हद तक फायदे आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। और अगर नीलम आपकी कुंडली अलाउट करती है तो आप उसे धारण कर ले, आपके लिए फायदेमंद ये रहेगा। शनि से रिलेटेड यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो शनि आपको सफलता प्रदान करते ही करते हैं। व्यापार के क्षेत्र में आप घोड़े की नाल की अगर स्थापना करते हैं तो वो भी एक शनि का स्वरूप ही होती है, वो भी आपको शानदार फायदा प्रदान करने वाली होगी। बात करेंगे नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए क्या उपाय करना आवश्यक रहेगा, तो पहले तो आप नीलम अगर पहन सकते हो तो पहनिए, नहीं पहन सकते तो मध्यमा उंगली में आप जो है लोहे का छल्ला धारण कर सकते हो, वो भी आपके लिए शानदार फायदेमंद रहने वाला है। नौकरी के क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप जो है शनि मंदिर में तेल का दान करें, और साथ ही हो सके
गुप्त दान भी आप कर पाए तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। गुप्त दान का जो ये उपाय है ये काफी हद तक हर क्षेत्र के व्यक्ति कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं ये आपके जीवन में जबरदस्त तरक्कियां लेकर आएगा और जो बदलाव लेकर आएगा वो आपको जीवन में फायदेमंद रहेगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये कुछ उपाय मैंने आपको वर्ष 2024 के शिक्षा व्यापार नौकरी के क्षेत्र के जातकों के लिए बताए। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली का ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको सही शिक्षा क्षेत्र में ले जा सकता है, या ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको व्यापार में तरक्की दे सकता है या नौकरी में सफलता दे सकता है, ये सारी चीजें अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उसको कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।